नमस्कार दोस्तों, निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग हमें मिली है 24,610 की और लास्ट डे की क्लोजिंग से निफ्टी ने 9 पॉइंट नीचे आके क्लोज किया है। और निफ्टी पे देखेंगे जो कंटिन्यू में आप लोग से बताते हुए आ रहा हूं कि निफ्टी में बहुत अच्छा जो सपोर्ट है वो सपोर्ट है यहाँ पे 24,488 से लेकर के 24,555। ये स्ट्रांग सपोर्ट है निफ्टी के लिए। अगर इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करेगा तो फिर हमारे लिए सबसे बेस्ट सपोर्ट लेवल क्या है, ये वाली जो कैंडल जो निफ्टी का लो लगा था ना ये कैंडल में, ये हमारे लिए बेस्ट सपोर्ट का काम यहाँ पे कर रहा है। लेकिन फिलहाल जो अभी सपोर्ट है वो है 24,488 से लेकर के 24,555 का। और निफ्टी ने आज का जो लो लगाया है, लो लगाया है 24,510 का। लो लगाने के बाद में जाके 24,610 पे क्लोज हुआ, जैसा कि मैं बता रहा था। देखिए, बार बार नीचे क्या करेंगे ना, जब तक ये इस लेवल के ऊपर क्लोज करता रहेगा ना, तब तक इंट्राडे में भी जब भी नीचे आएगा यहाँ पे आपको बायर एक्टिव होते हुए दिखेंगे। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इस लेवल के नीचे ही थोड़ी बहुत जो सेलिंग होगी ना, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग होगी, सेलिंग भी नहीं प्रॉफिट बुकिंग होगी, वो इस लेवल के नीचे ही वो प्रॉफिट बुकिंग आएगी। रेजिस्टेंस ऊपर की साइड में, जैसा कि आपको पता है कि ये जो हाई लगा है ये हमारे लिए रेजिस्टेंस है। लेकिन अब ध्यान रखिएगा क्या कर रहा है, तीन दिन से निफ्टी कंसोलिडेट कर रहा है। नीचे की साइड में सबसे अच्छा सपोर्ट है 488, ऊपर की साइड में जो रेजिस्टेंस बन रहा उस पर जरा गौर कीजिएगा। इस हाई को इस कैंडल ने ब्रेक नहीं किया है, इस हाई को इस कैंडल ने ब्रेक नहीं किया, मतलब तीन दिन हमने बनाया है, इस तीनों दिन हमने क्या बनाया है, हाई को हमने ब्रेक नहीं किया और लो को हम क्या कर रहे हैं, ब्रेक करते हुए जा रहे हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से एक छोटी सी ट्रेंड लाइन बनाएंगे। जिस दिन ये हाई के ऊपर, यानी इस हाई के ऊपर निकलने के बाद क्या इंपॉर्टेंट होगा, सेकंड कैंडल का हाई, यानी जो भी कैंडल यहां पे क्लोज कर रही है उसके सेकंड कैंडल का जब भी हाई निकलेगा ना, थोड़ी सी मूवमेंट आपको यहां पे दिखेगी। क्योंकि फिर क्या होगा, थोड़ा सा यहां पे मूवमेंट बनेगा और वो मूवमेंट में रेजिस्टेंस कहां पे है, ये रेजिस्टेंस है, तो यहां तक ये मूव कर सकता है। यहां पे नजर बना के रखिएगा, नीचे की साइड में जो ये सपोर्ट है ये स्ट्रांग सपोर्ट है, और उसके बाद जो सपोर्ट है वो सपोर्ट है हमारा ये वाला, ये वाली जो लो लगी है ना, कैंडल ने जो लो लगाया है ये हमारे लिए अच्छा खासा सपोर्ट यहां पे बना हुआ आपको दिखेगा। तो इस सपोर्ट पे नजर बना के रखिएगा, जो शॉर्ट टर्म में सपोर्ट है वो सपोर्ट ये है, यहां पे नजर बना के रखिएगा। रेजिस्टेंस ये जो ट्रेंड लाइन बन रही है, ट्रेंड लाइन को क्रॉस करे तो सेकंड डे का हाई, या फिर 15 मिनट के चार्ट पे देखिएगा, वहां पे मैं आपको अच्छी तरह से समझाता हूं, उस पे जरा ध्यान दीजिएगा। तो अगर इसको निकालता है तो फिर ये हमारे लिए नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, और ये रेजिस्टेंस निकालने के बाद जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस मिलेगा वो मिलेगा 25,055। जैसा कि मैंने बताया कि ये साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, उसके बाद 25,222, ये जो है वो स्ट्रांग सपोर्ट है, ये 25,222 ये स्ट्रांग सपोर्ट है निफ्टी के लिए। तो यहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए। अब हम चलिए 15 मिनट के चार्ट पर देखते हैं कि कल किस तरह से मूवमेंट निफ्टी में हो सकती है। यहाँ पर 15 मिनट का चार्ट देखिए, 15 मिनट के चार्ट पर मैंने कल क्या बताया था, कल मैंने दो चीज़ें आप लोग को समझाया था कि यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कीजिए, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन के, ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कीजिए और इस ट्रेंड लाइन को देखिए कि ट्रेंड लाइन में क्या कर रहा है, ये कभी भी क्या कर रहा है, पिछले हाई को क्रॉस नहीं कर रहा, जब भी पिछला हाई बन रहा है उस पिछले हाई को क्रॉस नहीं कर रहा। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये 15 मिनट के चार्ट पे देखिए, पिछले तीन दिन हो गए, लगभग तीन दिन हो चुके हैं, और तीन दिन से हम क्या कर रहे हैं कि 15 मिनट के चार्ट पर भी हम हाई को क्रॉस नहीं कर पा रहे। तो ये ध्यान रखिएगा, ये हाई, ये जो ट्रेंड लाइन है ये हमारे लिए रेजिस्टेंस है 15 मिनट के चार्ट पे। जब भी इस रेजिस्टेंस के ऊपर निकलने के बाद में जो भी पिछला हाई है, ध्यान रखिए मैं बार बार बोलता हूँ कि सिर्फ ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट ही मत देखिए, ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद में आपको ये हाई भी देखना पड़ेगा कि आखिर ये हाई कितनी दूर है। मान लीजिए अगर ये हाई ट्रेंड लाइन और इसके बीच में ये हाई कम से कम 250-300 पॉइंट दूर होता तो यहाँ पे एक मूवमेंट बनती और यहाँ पे लोग ट्रेड लेने, लेकिन इसके बाद जो ये हाई है ये ध्यान रखिएगा लास्ट, ये आज का हाई यहाँ पे लगा है, आज की ओपनिंग के बाद ये हाई लगा है वो है 24,677 का आज का हाई यहाँ पे लगा है। तो यहाँ पे आपकी नज़र होनी चाहिए, जब तक ये इस हाई को नहीं निकालेगा ना तब तक यहां पे मूवमेंट नहीं आएगी, क्योंकि पिछले तीन दिनों से यही कर रहा है कि हाई को निकाल नहीं पा रहा। लेकिन यह भी देखना पड़ेगा, देखिए क्या होता है ना, इस जगह जाने के बाद में आपको ये देखना पड़ेगा ये आ कहाँ से रहा। मान लीजिए अगर यहाँ पे कहीं पे गैप डाउन ओपनिंग हो, ओपनिंग होने के बाद जाके इस लेवल को निकालता आप यहाँ पे घुसोगे तो आप ट्रैप हो जाओगे फिर ये ब्रेकआउट, क्योंकि ऑलरेडी बहुत दूर से चलता हुआ आ रहा है। देखिए मैं बार बार बोलता हूँ कि आपको ये हमेशा देखना पड़ेगा कि कितनी दूर से चलता हुआ आ रहा। तो यहाँ पे 200 पॉइंट की मूवमेंट के बाद क्या होगा, रेजिस्टेंस के पास जब भी पहुँचेगा लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे और प्रॉफिट बुकिंग में फिर क्या होगा, वो नीचे की साइड में आएगा। सबसे अच्छी कंडीशन क्या बनती है कि मार्केट इसी जोन में कल कहीं पर ओपन हो और इसी जोन में क्या करे, टाइम बिताए। ध्यान रखिए इस जोन में टाइम बिताए, टाइम बिताने के बाद जब ये ब्रेकआउट करेगा, यानी ये वाला जो रेजिस्टेंस है ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस भी निकाल देगा और जो पिछला स्विंग हाई है उस स्विंग हाई के ऊपर निकलेगा तो थोड़ी बहुत मूवमेंट यहां पे बनेगी। तो उस मूवमेंट में क्या हो सकता है, उस मूवमेंट में जो पहला रेजिस्टेंस इसको मिलेगा वो मिलेगा 24,766, उसके बाद
24,877 और उसके बाद 24,933। तो यहाँ पे नज़र होनी चाहिए 15 मिनट के चार्ट पे, ये रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेंगे। तो इस रेजिस्टेंस पे आपकी नज़र होनी चाहिए। पहला रेजिस्टेंस क्या मिलेगा अगर यहाँ पे टाइम बिताए, देखिए इंपॉर्टेंट कंडीशन समझिए, इस कंडीशन में मतलब इस जगह पे कहीं पे ओपन होने के बाद टाइम बिताने के बाद इसका ब्रेकआउट करता है तो रेजिस्टेंस क्या मिलेगा 24,766, 24,877 और उसके बाद 24,933 ये रेजिस्टेंस मिलता है। अब मान लीजिए इसी जोन में टाइम बिताने के बाद ये नीचे की साइड में आया, शांति से बैठे रहिए क्योंकि नीचे की साइड में आपको क्लियर कट पता है कि 24,488 से लेकर के 24,555 ये सपोर्ट एरिया है। तो यहाँ पे आपको क्या करेगा, ये ट्रैप कर लेगा, ट्रैप कर लेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, शांति से बैठे रहना। जब भी इस लेवल के पास में आए, ये देखिए सपोर्ट लेवल है तो सपोर्ट लेवल के पास क्या होना चाहिए, मैं बार बार बोलता हूँ, जब भी मार्केट सपोर्ट लेवल के पास आए या रेजिस्टेंस लेवल के पास पहुंचे तो वहाँ पे मार्केट को टाइम बिताने दिए। टाइम बिताने के बाद आपको चीज़ें समझ में आती हैं। देखिए टाइम बिताने के बाद क्या करेगा, अगर ये इस लेवल को वापस निकालता है तो वापस क्या होगा, ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा और नेक्स्ट मूव फिर कहाँ तक जाता है, जहाँ पे आज की क्लोजिंग होती है 15 मिनट के चार्ट पे, जो आज की क्लोजिंग है वो यहाँ पे फर्स्ट रेजिस्टेंस का काम करता है, सेकंड रेजिस्टेंस वो होता है जो आज का हाई होगा। अब मान लीजिए यहां पे टाइम बिताने के बाद अगर इसके नीचे ब्रेक करता है तो ये फिर क्या होगा, फिर यहां पे आपको देखेंगे कि सपोर्ट आपका ब्रेक हो रहा है, क्योंकि पिछले तीन दिनों से क्या कर रहा था, सपोर्ट को रिस्पेक्ट कर रहा था। जब सपोर्ट ब्रेक करेगा तो यहां पे क्या होगा, बहुत सारी पोजीशन क्या होगी, स्क्वायर अप होगी। तो इस मूव में कहां पे सपोर्ट, नेक्स्ट सपोर्ट कहां पे बनेगा, वो बनेगा 24,422 और उसके बाद 24,422 और उसके बाद जो बनेगा 24,355 फिर ये सपोर्ट नीचे की साइड में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपकी नज़र होनी चाहिए। सबसे ज़रूरी है ओपनिंग कहाँ पे होती है, अगर इस जगह पे ओपन करके टाइम बिताए, टाइम बिताने के बाद इसको इसी फ्लो में निकाले तो फिर थोड़ा सा यहाँ पे डाउट क्रिएट होगा। यहाँ पे सबसे अच्छा सेटअप क्या होता है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास जाके टाइम बिताए और टाइम बिताने के बाद उसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करे तो फिर वहाँ पे ट्रेड आपको समझ में आएगा और आपका जो भी होगा सपोर्ट नीचे सपोर्ट समझ में आएगा, ऊपर का रेजिस्टेंस भी समझ में आएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।